गुड इवनिंग एवरी वन आज हम लोग पढ़ेंगे ओपैम ओपेम का बेसिक सिंबल आइडियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपेम प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ओपेम से तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ओपेम का नाम ओपेम क्यों पड़ा ओपेम का नाम ओपेम इसलिए पड़ा क्योंकि ये दो लेटर के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है ओ पी मीन्स ऑपरेशनल एम्प्लीफ एम पी मीन्स एम्प्लीफायर सो ऑपरेशनल मीन्स हमारा जो ओपेएम है वो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एरेथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एडिशन सब्ट्रैक्सन मल्टीप्लीकेशन इसके अलावा और बहुत सारे अदर परफॉर्म कर सकता है लोगरितमिक कम्पेरिज़न ठीक है और इसके साथ में वो क्या कर सकता है एम्प्लीफिकेशन कर सकता है एम्प्लीफाई कर सकता है इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या रखे हैं ओपेम ऑपरेशनल प्लस एम्प्लीफायर दैट मीन्स ओपेम इसका आईसी नंबर होता है आई सी सेवन फोर वन ठीक इसके साथ में इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि ये लो इन कॉस्ट है वर्क्स एट लोअर वोल्टेज है स्मॉल साइज है वर्सटैलिटी है फ्लेक्सिबिलिटी है ठीक है ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमको क्या कर देता है ओपेम को पॉपुलर बना देता है इसका लो कॉस्ट होना लो वोल्टेज पे ऑपरेट होना स्मॉलर साइज ठीक है और इसका जो बेसिक फंक्शन है वह है एक्सिलेंट हाई गेन प्रोवाइड करना क्या प्रोवाइड करना हाई गेन ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं ओपेम का सिंबल के बारे में तो ओपेम का सिंबल के लिए क्या होता है ओपेम के सिंबल में आपको पता होगा कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ओपेम में हमारा पांच टर्मिनल्स होते हैं जो माइनस वाला टर्मिनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल जो प्लस वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऊपर में एक पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज जिसको हम लोग डिनोट करते हैं प्लस वी सी सी से और नेगेटिव वाला सप्लाई वोल्टेज को डिनोट करते हैं माइनस वी ए ए से और नेक्स्ट एक पिन आपका आउटपुट टर्मिनल तो टोटल हमारे पास पांच टर्मिनल है होते हैं किसी भी ओपीएम में माइनस वाला इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल प्लस वाला नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज आउटपुट टर्मिनल अब आगे आप लोग को ये समझ में आएगा कि माइनस वाले को इन्वर्टिंग क्यों बोलते हैं प्लस वाले को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल क्यों बोलते हैं ठीक है